हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून तपस्या, वेलकम रंजीत। सो गाइस, आज हम जो क्लास करेंगे वो लेसन 8 रहेगा। सो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो है लास्ट मिनट प्रीलिम्स 2020 विनर सीरीज। इसमें हम करंट अफेयर स्पेशल देख रहे हैं इस पूरी सीरीज में। हेलो तपस्या, वेलकम रंजीत। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज स्टडी IS कोड एंड गेट 10% ऑफ। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इशू रहता है देन यू कैन कॉल और व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। सो तपस्या एंड रंजीत, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? सो आज की हम सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं लेसन 7, सॉरी लेसन 8। हमेशा की तरह इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट वन ईयर की जो करंट अफेयर है हम इसमें वो इंक्लूड करेंगे, और एट लास्ट ऑफ द क्लासेस हम क्वेश्चंस भी देखेंगे इन सब करंट अफेयर से बने हुए कि कैसे UPSC इन सब में से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। ओके, या करता है। सो आई एम ऑडिबल? चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैंपा। ऑब्वियसली हम इसको काफ़ी बार कर चुके हैं तो हमने स्टार्टिंग में रख लिया, किसी स्टूडेंट का छूट ना जाए। ओके, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कोन मैनेजमेंट इन द प्लानिंग अथॉरिटी। क्या है ये कैंपा? मतलब अफॉरेस्टेशन करना, जो पेड़ कट रहे होते हैं उनको दोबारा से लगाना, राइट? इसके बारे में ज़्यादा कुछ इतना नहीं करेंगे। 2001 में कैंपा को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, लेकिन एनफोर्स ये 2006 से आया था। ओके, है क्या ये कि जैसे पहले क्या होता था कि किसी को अगर फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगानी होती थी तो वो फॉरेस्ट लैंड को कट करते थे, डायरेक्टली अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर देते थे, जिससे क्या होता था कि एक तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते थे तो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम, दूसरा वो पेड़ों को कट करते थे तो प्रॉब्लम होती थी एनवायरनमेंट को, तो क्या होता था, डबल धमाका होता था, यानी कि वो दोनों तरफ से एनवायरनमेंट के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तपस्या, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल? इसलिए कैंपा को लॉन्च किया गया इन 2001। है क्या ये नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इसके लिए बनाया गया जो कि अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया जो कि अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट है। ओके, ओके डन। सो फंड, ये जो फंड है रिसीव करता है पेमेंट को कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, और दूसरी जो स्पेसिफिक पेमेंट होती है, इन तीनों के लिए जो है पेमेंट रिसीव करता है। अगर किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री लगानी है तो पेमेंट ऑब्वियसली उसको करनी होगी, तो उस जो वो पेमेंट करेगा उसका 10% नेशनल फंड में जाएगा, रेस्ट जो 90% होगा वो स्टेट फंड में जाएगा। तपस्या, इको इशू तो नहीं है ना? या है? व्हेन अ कंपनी डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लैंड। अगर किसी ने इंडस्ट्री लगाई है तो उसको दूसरी लैंड भी प्रोवाइड करवानी होगी, वहाँ पे नई ट्रीज भी प्लांट करवाने होंगे, और जो है नेशनल और स्टेट कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में भी पैसा देना होगा। गुड आफ्टरनून मानसी। सो फर्स्ट टॉपिक ईजी था, अगर किसी का रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं है इसमें, राइट? विनोद, क्या कहा है? वेलकम पिंकी एंड शोकत अली। ओके तपस्या, नेक्स्ट टॉपिक है सुमात्रन राइनो। ये काफी न्यूज में चल रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मलेशिया से अब इसको एक्सटिंक्ट का जो स्टेटस है वो मिल गया है, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट है सुमात्रन राइनो। रिमेम्बर रखना कि मलेशिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, इसकी जो 80 सुमात्रन राइनो जो स्पीसीज हैं वो अभी इंडोनेशिया के पार्ट में मिलती हैं, स्पेशली बोर्नियो वाले रीजन में।
इंडोनेशिया में बोर्नियो जो है वहां पर 80 सुमात्रन राइनो जो है अभी भी बचे हुए हैं। ये वाला जो सुमात्रन राइनो है, जितनी भी राइनो की स्पीसीज होती है उनमें सबसे छोटा है। दूसरे राइनो का नाम है व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन होर्न राइनो, सिरोज एंड द जावन राइनो। इम्पोर्टेंट आपके प्रेलिम्स के लिए ये वाली चीज है कि जो ग्रेट वन होर्न राइनो है दैट इज फाउंड इन इंडिया ओनली। ओनली वर्ड याद रखना कि इंडिया में ही ये पाया जाता है। इंडिया का जो हिमालयन वाला रीजन है और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वहां पर क्या मिलता है, ग्रेट वन होर्न राइनो। ये सिर्फ इंडिया में मिलता है। सुमात्रन राइनो का स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये और साइट के अपेंडिक्स वन में इंक्लूड है। तो आप देखिए, तो आप ये देखिए कि साइट के अपेंडिक्स वन में इंक्लूड है और इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको कितनी ज़्यादा अल्टीमेट जो प्रोटेक्शन मिल रही है क्योंकि अभी इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हेलो अश्वति, नेक्स्ट टॉपिक है, ये सब आपको GS 3 में हेल्प करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है ये, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्यों करा, क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खतरे में है। ये शेड्यूल वन में ऐड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 जो एक्ट है उसके शेड्यूल वन में ऐड है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की अपेंडिक्स वन में ऐड है और साइट की भी अपेंडिक्स वन में ये ऐड है। फोर ऑफ अक्टूबर को है ना विनोद। चलिए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक रिकवरी प्रोग्राम भी स्टार्ट करा है। 3 सेंचुरी है इंडिया में जहाँ पे इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है, वो सेंचुरी आपको याद रखनी है। नहीं विनोद, ये हिस्टोरिकली यूपी, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में भी मिलता था, लेकिन अभी वहाँ पर ये नहीं है और इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। आप इसको याद कैसे करोगे, स्टेट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, हमें ये वाली बात याद रहेगी कि राजस्थान में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, आप सबको इस बात का पता है। राजस्थान ने किया है तो एमपी ने सोचा कि राजस्थान ने करा है तो मैं भी तो पड़ोसी ही हूँ तो मुझे भी कर लेना चाहिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रख लेना चाहिए, तो एमपी में भी हो गया, राइट। राजस्थान से नीचे की ओर चलते हैं तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये सीरीज याद रख लेना। राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, इन चारों में मिलता है। केरला ने नहीं रखा, केरला याद नहीं में ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने उसने कहा कि ऑलरेडी मेरे पास नीलगिरी ताहर है और तो मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं रखूंगा। एक तरीके से तरीका है गाइस, आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं। केरला ने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी नीलगिरी ताहर है तो मैं नहीं रखूंगा। गुड आफ्टरनून राम कुमार। तमिलनाडु ने कहा, तमिलनाडु में भी ये नहीं मिलता, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एक पक्षी है, उछलता बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि गल्फ ऑफ मन्नार में जो पानी है वहां पर, इतने आइलैंड है वहां पर ना चला जाए, गिर जाए, इसलिए मैं भी नहीं रखूंगा। तो आंध्र प्रदेश ने कहा मैं रख लूंगा, राइट। तो इस तरीके से याद रखना है और कुछ नहीं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर एमपी और आंध्र प्रदेश, याद रहेगा ना। ये मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी में जो कि राजस्थान में है। माइग्रेटरी बर्ड, ये जो सेंचुरी है वो माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है, लाइक चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स वगैरह, ये इनके लिए फेमस है। इसके बाद ये मिलता है रोला पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और वहां पर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पाया जाता है। फॉक्स, जैकल, स्लोथ बियर, ये सारे इस सेंचुरी में पाए जाते हैं। इसके बाद है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है ये। करेरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है आपकी एमपी में, एमपी में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो प्रोटेक्टेड है सिंस 1981। गाइस, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ जो हिंदू में आता है या जो चीज़ हमें दिखाई गई है सिर्फ उसको याद करने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार आप जाइए, डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है इसके बारे में देखना, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में था, राइट। ये कहाँ पाया जाता है उसके फीचर्स को पढ़ना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
जोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ इसकी लोकेशन है, तो ये चीज़ भी आपको रिमाइंड करनी होगी, पता करना होगा। करेरा के पास कोई आसपास में कोई लेक है, कोई रिवर वहाँ से ट्रैवल्स कर रही है, या कोई सेंचुरी उसके पास है, या कोई बायोस्फीयर उसके पास है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता करनी होगी। यस विनोद, अगर आप 11th से प्रिपेयर कर रहे हो तो और अच्छी बात है, आपको करीबन 5 साल मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है, EES 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। सो गाइज बताइए, पहले दो तीन टॉपिक क्लियर हैं क्या? ये भी टॉपिक हमने किए, ये वाले क्लियर हैं तो हम आगे मूव ऑन करें। चलिए नेक्स्ट है हमारा EES 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स। एक इंडेक्स आया था EES 2.0 जो ये बताता था कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं, जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है 2 सालों में, 2018 से लेके 2020 तक 2 साल थे। इसमें ये बताता था ये वाला इंडेक्स कि हमारे जो PSB बैंक है उनकी कंडीशन कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर जो मिनिस्टर है, उन्होंने इस EES 2.0 को जो है लॉन्च करा था, इनोग्रेट करा था, ताकि PSB की जो बैंकिंग सर्विस है, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं, उनकी सर्विसेज लोगों के घरों तक पहुँचे, उनके दरवाजों तक पहुँचे, वो मतलब लोगों के उनके बारे में ज़्यादा पता चले, ट्रस्टवर्दी हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो, इसलिए EES 2.0 जो है वो लॉन्च करा गया था। 2018 में गवर्नमेंट और PSB ने इसको लॉन्च करा था ताकि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग हो सके। क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए। क्लीन का मतलब है कि क्लीन क्रेडिट हो, राइट। आप उधार ले रहे हो, दे रहे हो, तो वो चीज़ क्लीन हो, यानी कि उसमें कोई झंझट ना हो। लीवरेजिंग डाटा हो, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी भी हो, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर भी हो, जो डिफॉल्ट कर जाते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाए, तो ये क्लीन बैंकिंग का उद्देश्य है, फुल नेम है। और जो NPA हो जाती है, NPA क्या होती है गाइज आप मुझे बताइए। पिंकी, रंजीत, तपस्या, शोकत, विनोद, आप बताइए NPA क्या है। NPA की रिकवरी भी करी जा सके। स्मार्ट बैंकिंग में क्या है कि स्पीडी हो, यानी कि जो भी काम होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो। मल्टी चैनल रीच हो, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा चैनल से जो है हम कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करें, राइट। एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल भी हो, रिस्पॉन्सिव भी हो, और टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड भी हो। ये वाली चीज़ है, याद रख लेना। क्लीन बैंकिंग में क्लीन क्रेडिट, लीवरेजिंग डाटा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको ये दोनों याद हो गए ना बॉक्स, अगर गाइस याद हो गए, तो मेंस में या इकोनॉमी पर जब आप टॉपिक लिखोगे, PSBI 2.0 के बारे में लिखोगे, तो ये सारे वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अरे मानसी, मुझे फुल नेम तो पता है, होती क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, होती क्या है? वेलकम गोहिल, यस तपस्या, यू आर राइट, जो लोन वापस ना हो, यस मानसी, यस रंजीत, आपने और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि 90 दिन तक टाइम होता है, उससे पहले अगर लोन रिकवर नहीं होता तो उसको NPA बोला जाता है, राइट। यू आर राइट, इज रिफॉर्म इंडेक्स भी बनाया गया। इट फॉलोज ए फुली ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, एनेबल बैंक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इंडेक्स जो था, जो है, एक तो ट्रांसपेरेंसी को मतलब दिखाता था, दूसरा हर सेक्टर में, PSB के हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, ये चीज़ ये बताता था। अभी तक 3 E's आ चुके हैं, EES 1.0, EES 2.0, EES 3.0। तीनों क्या है? ये शोकत, यू आर राइट, नॉट रिकवर लोन। EES 1.0 कहती है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करा जाए। PSB ने इस बात को देखा था और जो है ट्रांसपेरेंट भी करा था, पारदर्शिता भी थी इस बारे में कि आप कैसे NPAs को प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे, राइट। विनोद, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड वाला होता है वही होती है ना इतनी, यस वही होती है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
2.0 में ये था कि 2020 और 2019 का ये इंडेक्स रिपोर्ट बताता है, जिसमें जो है हमारा स्कोर इम्प्रूव करा है। लास्ट ईयर हमारा 49.2 था, अभी जो मार्च 2020 में है वो 67.4 है। ओके, तो 2.0 की ये रिपोर्ट है। 3.0 ये कहता है कि जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उनको हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो कि 2020 और 2021 के लिए होगी। इसमें एक ई शिशु मुद्रा ऐप भी लॉन्च करी जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? ये लिटिल बिट डिफरेंस है इन तीनों ईज में, वो चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंसेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में था, इंटरनेशनल रिलेशन से ये डील करता है। तो पढ़े क्या, वो क्लियर हो गया? लास्ट वाला ईज वाला टॉपिक क्लियर है? ओके, चलिए। इंस्टेट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। नाम पढ़ लिया हमने, इंस्ट्रूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ट्रेड करने के लिए एक तरीके की सहायता है, सहायता के मतलब इंस्ट्रूमेंट है। ओके, व्हाट इज इट? है क्या ये? पेमेंट मैकेनिज्म है। मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकली बताती हूँ कि एक ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, तब ऐसे आपको पता होगा, ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। ईरान न्यूक्लियर डील जो है साइन की गई थी किस किस के द्वारा, आप मुझे वो बताओ। ईरान न्यूक्लियर डील थी जो कि P5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने, उसने प्लस जर्मनी ने मिलके इसको साइन किया था, पता है ना? P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी ने मिलके ईरान न्यूक्लियर डील को साइन किया था। उस डील की गाइडलाइंस ये थी कि आप एक साल में 300 यूरेनियम से ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, राइट? आप कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, 300 यूरेनियम से ज़्यादा एक साल में यूज़ नहीं करोगे। दूसरे जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो आप चीज़ नहीं बनाओगे, ये बात क्लियर है? लेकिन जो ईरान है उसने इस गाइडलाइंस को ब्रेक करा और जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए और 300 यूरेनियम से ज़्यादा उसने एक साल में यूज़ भी करे। यस, P5 कंट्रीज के नाम आप मुझे बताओ इतना। तो ईरान ने इन गाइडलाइंस को ब्रेक करा, तो इसलिए जो US है उसने इस डील से विड्रॉ कर लिया। एक P5 कंट्री था, आपको पता ही चल गई। US ने क्या करा? विड्रॉ कर लिया कि भाई ईरान तो हमारी बात मान ही नहीं रहा है, तो मैं जो है यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, राइट? US ने विड्रॉ कर लिया और ईरान पर सेंक्शंस लगा दी कि आप अब ट्रेड नहीं कर पाओगे, कि कोई भी कंट्री आपसे ट्रेड नहीं करेगी। सेंक्शन लगाने का अधिकार US को कैसे मिला? क्योंकि पहले क्या होता था कि सारी जो ट्रेड होती थी वो US डॉलर में होती थी। आर यू राइट? मतलब समझ रहे हो ना कि US डॉलर में होती थी, इसलिए US ने ईरान पर सेंक्शन लगा दिए कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, राइट? इसके लिए जर्मनी ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, तीनों ने मिलके एक मैकेनिज्म लाया जिसका नाम है इंसेक्स। ओके, तीन कंट्रीज, UK मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने मिलके एक मैकेनिज्म लाया। US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। यस सपेसिया, यू आर राइट। उन्होंने मिलकर एक मैकेनिज्म लाया इंसेक्स का कि हम जब ट्रेड करेंगे अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, US डॉलर में नहीं करेंगे। इंसेक्स के जरिए अगर किसी को ट्रेड करना है ईरान के साथ या इन सब मेंबर कंट्री के साथ, वो सब अपनी अपनी करेंसी में करेंगे, US डॉलर में नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा कि ईरान पर जो US ने सेंक्शंस लगाई हैं उससे भी हम बच पाएंगे। ओके, और जो ट्रम्प है अपनी मनमानी करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनसे भी हम बच पाएंगे। US, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस। यस मानसी, यू आर राइट। गाइस आप सब आंसर कीजिए ना। P5 कंट्रीज के नाम बताओ। विनोद, रंजीत, शोकत, पिंकी, बताइए, राइट? तो ये वाला जो बैकग्राउंड है वो समझ आया। ईरान न्यूक्लियर डील थी, P5 कंट्री प्लस जर्मनी, याद रखने ना, P5 प्लस जर्मनी ने इसको साइन किया था।
ईरान ने जो गाइडलाइंस को ब्रेक करा, जिसकी वजह से यूएस ने उस पर सेंक्शन लगा दी और विड्रॉल भी कर लिया। और सेंक्शन लगा दी तो अब कोई ट्रेड नहीं कर सकता था ईरान के साथ। इसीलिए जर्मनी, यूके और फ्रांस, तीन कंट्री, याद रखो गाइस, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर एक मैकेनिज्म लाया इंसेक्स का, ताकि वो ईरान पर लगी सेंक्शंस को बाईपास कर सकें। वो है इंसेक्स। पेमेंट मैकेनिज्म है बीइंग सेटअप बाय द यूरोपियन यूनियन टू सिक्योर ट्रेड विद ईरान एंड बाईपास द यूएस सेंक्शंस आफ्टर द वॉशिंगटन पुल्ड आउट द लैंडमार्क न्यूक्लियर डील लास्ट मई। ये वाली चीज़ क्लियर है ना कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए ईरान के साथ वो ट्रेड चालू रखे, इसलिए उन्होंने ये मैकेनिज्म लाया। इट विल अलाउ ट्रेड बिटवीन द यू एंड ईरान विदाउट रिलाइंग ऑन द डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस मैकेनिज्म में अब क्या होगा कि डायरेक्टली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड नहीं होगा, यानी कि अभी ईयू जो है पैसे ईरान को भेजेगा, ईरान यूएस को, ईयू को भेजेगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो है अपनी अपनी करेंसी में वो लोग ट्रेड कर लेंगे, राइट। दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एंड दे विल रिसीव द फॉर्मल एंडोर्समेंट ऑफ द 28 ईयू मेंबर। स्टार्ट किसने करा है? फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने, और बाकी सभी 28 जो ईयू मेंबर्स हैं वो भी इसमें डील कर लेंगे। ओके, वो भी इस तरीके से अभी जो है ट्रेड वगैरह करेंगे। याद रख लेना एक पॉइंट जो आपकी प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि वो ट्रेड सिर्फ उन्हीं गुड्स पर करेंगे, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये पिंकी यू आर राइट, सिर्फ वो जो ट्रेड करेंगे ऐसे गुड्स पर करेंगे जो नॉन सेंक्शनेबल होंगे, ऐसे गुड जिन पर सेंक्शन नहीं लगी होगी, लाइक द ह्यूमैनिटेरियन गुड, जैसे मेडिसिन हो गए, फूड हो गए और मेडिकल डिवाइस वगैरह हो गए, ऐसे गुड पर ही वो अभी ट्रेड कर पाते हैं। जिन गुड्स पर सेंक्शन लगी है उन पर अभी वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, क्लियर है क्या? मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। नॉन सेंक्शनेबल गुड्स जो होंगे सिर्फ उन्हीं में वो ट्रेड कर पाएंगे, मेडिसिन वगैरह है उन्हीं में वो ट्रेड अब वो कर पाएंगे। इट इज़ अ फर्स्ट कंट्री स्टेप बाय द यू टू ट्रम्प काउंटर द ट्रम्प यूनिलैटरल डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर डील। जैसे यूएस ने जो है न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करा, ट्रम्प है ना अभी, तो उसने जो है न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया, तो ईयू का ये पहला स्टेप होगा ताकि जो ट्रम्प की जो मनमानी करता है वो इंटरनेशनल रिलेशन में, उससे बचा जा सके। ओके, इंसेक जो है ईरान और ईयू के रिलेशन ही नहीं बनाएगा बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी देगा, ताकि ईयू की इकोनॉमिक पावर जो है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक पावर जो है वो भी स्ट्रेंथन हो सके, और यूएस के द्वारा लागू की गई जो पॉलिसीज हैं उनको हम ब्लॉक कर सके, या उनका ज़्यादा फर्क इंटरनेशनल रिलेशन में ना पड़े। ओके, हाउ इज द यूएस रिएक्ट, यूएस ने इस बात पे कैसे रिएक्ट किया? ऑब्वियसली यूएस ने तो रिएक्ट करना ही था, तो कैसे किया? उसने कहा कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा, ईरान के साथ ज़्यादा लगाव रखेगा, उसको स्टिफ पेनल्टीज का भुगतान करना होगा, यानी कि पेनल्टी फेस करनी होगी, राइट। जैसे अभी हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल, मेडिकल या एग्रीकल्चरल फूड जो गुड्स होते हैं सिर्फ अभी उन्हीं में ट्रेड करे जा सकते हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होती हैं सिर्फ वही अभी इसमें जो है ट्रेड करेंगे। इन फ्यूचर इंसेक विल आल्सो बी ओपन टू द थर्ड कंट्री। फ्यूचर में क्या होगा कि थर्ड कंट्री यानी कि कोई ऐसी कंट्री ईयू के अलावा, कोई ऐसी कंट्री जो ईरान के साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके लिए भी ओपन होगा, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, इन फ्यूचर यहाँ पे लिखा है, तो वो चीज़ पढ़ लेना अच्छे से। इंस्टेक वुड रिसीव पेमेंट फ्रॉम द कंपनी दैट वॉन्ट टू ट्रेड विद द ईरान आइदर बाई रिसीविंग वेवर फॉर द ऑयल इम्पोर्ट। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ फंड नहीं होगा, उस बात का मतलब क्या है कि सपोज आप इंडिया है, अभी इंडिया का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना, इंडिया है, इंडिया को ईरान से ट्रेड करना है ऑयल वगैरह, मतलब कोई एग्रीकल्चरल फूड मंगवाना है, तो इंडिया ऐसे नहीं है कि उसको डायरेक्टली पेमेंट करेगा, अपने रुपई जो रुपी करेंसी है उसमें पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन ईरान से जो हमारे पास ऑयल आता है वहीं पे वो पैसे कट कर लिए जाएंगे, समझ रहे हो ना बात?
या दूसरी जो ईरान अगर इंडिया से कुछ चीज़ मंगवाता है तो वहीं पे वो पैसे कट कर लेंगे, डायरेक्टली जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड यहाँ पर नहीं होगा, ताकि जो है दूसरी कंट्री भी यूएस की पेनल्टी से बच सके। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर है क्या? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्या है, ये क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा। वी नो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी फर्स्टली एंड द लास्ट ईयर क्वेश्चंस। पहले आप सभी सब्जेक्ट के लास्ट ईयर पेपर देखो और एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, रेफरेंस बुक पर बाद में जाना। ओके? अभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी ही नहीं, ये हाई लेवल की चीज़ें हैं। स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड द हिंदू और लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर। शौकत अली, पिंकी, मानसी, क्लियर है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हमने इसलिए इस पर टाइम भी लगाया। ग्रीन क्रेडिट स्कीम है क्या? सिंपल सी है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको अप्रूव करा था। फॉरेस्ट में होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, लाइक वुड है, फ्यूल है, टिम्बर है, ये सारी चीज़ों को एज अ कॉमोडिटी ट्रीट करा जाएगा, और जो वहाँ के ट्राइब होते हैं उनको भी इसी से बेनिफिट मिलेगा। ये जो स्कीम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम, ये अलाउ करेगी प्राइवेट कंपनीज को या विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी को कि वो अपनी लैंड धरती को पहचाने और वहाँ पर प्लांटिंग करें। 3 साल बाद जब उनकी लैंड में प्लांटिंग हो जाएगी तो वो अपनी लैंड इंडस्ट्रीज वगैरह को दे सकेंगे, ताकि इंडस्ट्रीज अगर उनको जो भी लोगों ने इंडस्ट्री लगानी है तो वो उनकी लैंड लेके पेमेंट कर सके। लाइक कैंपा वाला जो हमने पढ़ा ना, ग्रीन क्रेडिट स्कीम और कैंपा फंड यहीं से दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। ओके? तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसके बारे में, इंफॉर्मेशन होनी थी। इस स्कीम से क्या होगा कि जो हमारा प्लांटेशन हो पाएगी, इंक्रेज कर पाएंगे प्लांटेशन को। दूसरा, जो हमने सस्टेनेबल गोल को अचीव करना है उसमें भी हेल्प होगी और नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो पाएंगे। आप मुझे बताइए, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं और कब तक हमने उनको अचीव करना है? ओके? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। क्या है ये? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान हैज रिसीव अप्रिसिएशन फ्रॉम द यूएन ऑन द वर्ल्ड ओजोन डे। यूनाइटेड नेशन से उन्होंने अप्रिसिएशन को रिसीव कर लिया है वर्ल्ड ओजोन डे वाले दिन, राइट? ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगी जो इस तरीके की डॉक्यूमेंट को रिलीज करेगी, डेवलप करेगी। ओके? एंड गोल क्या है आईसीएपी के? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है क्या, यानी कि इंडिया में जो कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है उसको कम कर देना, राइट? ये 17 गोल हैं और हमने 2030 तक अचीव करने हैं। यस, यू आर राइट, और यू आर राइट। रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड अक्रॉस ऑल द सेक्टर बाय 20 to 25%। अगले 20 सालों में, देखो 2037 और 38 है, टारगेट ये हमारा है अगले 20 साल। ओके? अगले 20 सालों में हम कूलिंग की डिमांड को 20 से लेके 25% तक हर सेक्टर में कम कर देंगे। रेफ्रिजरेटर की डिमांड को कम कर देंगे और जो कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 25 to 40% भी हम उसको कम कर देंगे। इससे क्या होता है कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है विनोद। ओके? कूलिंग डिमांड को कम करने से जो हमारी ओजोन लेयर है उसको हम डिप्लीट होने से बचा सकेंगे। आप सब जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह यूज़ करने से जो है क्लोरो फ्लोरोकार्बन है, सीएफसी वगैरह ऐसी जो गैसेज होती है वो रिलीज होती है, जिससे जो ओजोन लेयर है उसमें काफ़ी जो है डिप्लीट हो रही है और होल जो है उसका वो बढ़ रहा है। पता है ना आपको, हमने कल भी करा था ओजोन लेयर के बारे में, तो उसका जो होल है वो बढ़ रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आया था। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगी जिसने इस तरीके के डॉक्यूमेंट को लॉन्च कराया है, राइट? अगले 20 सालों तक का इसका टारगेट होगा और रेफ्रिजरेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को हम कम करेंगे, आरडी इनोवेशन इकोसिस्टम देखेंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है बितरनिगा सेंसस ऑन द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम ओजोन डे वगैरह कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको डेट याद रखनी ज़रूरी है, आईएएस में नहीं रखनी, राइट? बितरनिका ने एक सेंसस रिलीज करा है ऑन द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सब आप देखो, तैयारी आपको कैसे करनी है।
आपने हिंदू में टॉपिक पढ़ा पिटानी का सेंसस ऑन द सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, राइट। आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जानना है कि पिटानी का क्या है, क्या ये कोई सेंचुरी है, क्या ये कोई नेशनल पार्क है, राइट। सोल्ट वाटर क्या मतलब क्या होता है सोल्ट वाटर का? सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल की दूसरी स्पीसीज क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती हैं, तब रेलेवेंट होती है। ओके चलिए, सेंसस ने अभी शो करा है 15 जो क्रोकोडाइल है वो इंक्रीज हो गए हैं पिछले साल से। क्रोकोडाइल की तीन स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, सोल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। सोल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। मगर क्या है? मगर को इंडियन क्रोकोडाइल या मार्श क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। ये इंडिया के पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है, स्पेशली कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर ये मगर पाया जाए। इसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। द मगर इज मेनली अ फ्रेश वाटर स्पीसीज एंड फाउंड इन द रिवर, लेक एंड मार्शेस। फ्रेश वाटर स्पीसीज है यानी कि साफ पानी जो लेक रिवर वगैरह में होता है वहीं पर ये पाया जाता है। सॉल्ट वाटर है तो ऑब्वियसली सॉल्ट वाटर में ही मिलेगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग रेप्टाइल। इसका भी स्टेटस लीस्ट कंसर्न है और ईस्ट कोस्ट पे ये पाया जाता है। आप मेरे को कमेंट में ये बताइए, ईस्ट कोस्ट जो इंडिया का ईस्टर्न वाला कोस्ट है, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें मानी जाती है कि ये ईस्ट कोस्टर्न में लाई करेंगी। नेक्स्ट है घड़ियाल। ये एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है और नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसका जो स्टेटस है अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है सिर्फ चंबल सेंचुरी में, कटर्निया घाट वाइल्ड सेंचुरी में, सोन रिवर सेंचुरी में और महानदी। महानदी कहाँ पर है? इन सतकोसिया जोर्ज सेंचुरी में जो कि ओडिशा में है, वहीं पर ये पाया जाता है। राइट, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कहाँ कहाँ ये मिल रहा है। नेशनल चंबल सेंचुरी, कटर्निया घाट वाइल्ड सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी और सतकोसिया जोर सेंचुरी जो कि ओडिशा में, ये वहाँ पर मिलता है। ओके ईस्ट कोस्ट बताइए, तपस्या, मानसी, पिंकी, रंजीत, शोकत। ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट इंडिया के जो है वो माने जाते हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु। यस ओके यूर राइट। केरला नहीं माना जाएगा क्या? केरला वैसे वेस्टर्न में आ जाएगा, केरला नहीं होगा। चलिए, बिदरनी का एक नेशनल पार्क है, सेंचुरी भी है, इसको देख लेते हैं हम। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा है। ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? बितरनिका मैंग्रोव्स। ओके सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। सबसे पहला है सुंदरबन है, उसमें लार्जेस्ट मैंग्रोव पाए जाते हैं। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे नाम आता है बितरनिका मैंग्रोव्स का। यहाँ पर मैंग्रोव्स सुंदरबन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शोकत एक बार सारी क्लासेस हो लेने दीजिए, उसके बाद मैं टेलीग्राम में इस पूरी सीरीज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके क्योंकि मैंने इसी पूरी सीरीज में ही मैंने एक ही साथ सभी स्लाइड्स को मर्ज किया हुआ है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, रामसर साइट का स्टेटस भी इस नेशनल पार्क को 2002 में मिल गया था। ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा, पटशाला रिवर आर द ट्रेवर्स फ्रॉम दिस। यानी कि ये सारी रिवर हैं जो कि इस नेशनल पार्क के में से होके गुजरती हैं, वहाँ से होके निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाती हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन इंडिया एंड द ग्लोबली यूनिक। इंडिया में सोल्ट वाटर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। ये जो बितरनिका नेशनल पार्क है यहीं पर ही गहीर माथा बीच जो कि ओलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस होता है और मरीन सेंचुरी यहीं पर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रूकरी ऑफ द ओलिव रिडली टर्टल लाइज टू द ईस्ट। मैप में देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। क्लिपिंग्स बनाइए, क्लिपिंग्स में ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। ये है आपका बितरनिका नेशनल पार्क, आप ये देख सकते हो, ये वाला है नेशनल पार्क।
इसके बाद ये वाला जो ब्लैक पॉइंट आप देख रहे हैं, दैट इज अ गहीर माथा बीच, ये है सॉरी, ये मरीन सेंचुरी है इधर, जो कि ऑलिव रिडली नेस्टिंग बीच है ये, और ऑलिव रिडली के लिए फेमस है। इसके नीचे है गहीर माता बीच, यहाँ से ये देखिए, ये है ब्राह्मणी रिवर होके जा रही है, इधर महानदी रिवर है, दूसरी इधर नीचे की तरफ आएंगे तो ऋषिकुल्या रिवर है, राइट। तो ये वाली रीजन जो है आपको पूरा का पूरा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉप, ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या? बितरनिका वाला और क्रोकोडाइल्स वगैरह वाला सब टॉपिक क्लियर है? नेक्स्ट है डल लेक एरिया टू बी इको सेंसिटिव जोन। जो जम्मू कश्मीर में डल लेक है उसको अभी इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करा जाएगा। ये किसने डिसाइड करा है? एक 10 मेंबर कमेटी है, उन्होंने डिसाइड करा कि अब डल लेक को इको सेंसिटिव जोन को मतलब इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, राइट। चलिए क्या है इको मतलब इको सेंसिटिव जोन जो है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, उसमें इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है और ये मतलब इस वर्ड के बारे में कुछ भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन नहीं है, राइट। तो ये वाला इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ पर स्पीसीज जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहेंगी, या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाला जोन होता है। डल लेक है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। जोन अगर डिसाइड होने के बाद क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाने देगी, और अगर लगाने की परमिशन दे भी दे तो सर्टेन सेफगार्ड्स को फॉलो करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है, ये वाली चीज़ याद रख लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री और कैरिंग एनी सर्टेन ऑपरेशन और प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन लाइक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया। उस एरिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर सकता है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी, कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। एनवायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज और प्रॉक्सिमिटी टू द प्रोटेक्टेड रिजर्व, राइट। सिर्फ इतनी सी बात है कि एक ऐसा एरिया जो कि वहाँ पर काफ़ी सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उनका स्टेटस काफ़ी कंसर्न में है। दूसरा, डल लेक जो है वो काफ़ी हमने प्रोटेक्टेड करनी है, वो अभी उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। ऐसा अगर कोई एरिया होता है तो उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिक्लेयर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार हो जाता है कि उस जोन में कोई भी तरीके की फैक्ट्री ऑपरेशन इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पर नहीं होंगे, वो सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, ओके। डल लेक को जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल भी बोला जाता है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द स्टेट, स्टेट में सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, और ये टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए ज़्यादा फेमस है। इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर का हार भी बोला जाता है। ज्वेलरी होती है ना, ज्वेल का मतलब ज्वेलरी मतलब हार, यानी कि उसका ताज, कश्मीर का ताज भी डल लेक को जो है बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द कमर्शियल ऑपरेशन इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। लेक इज लोकेटेड इन द जबर वन माउंटेन वैली इन द फूट हिल्स ऑफ शंकराचार्य हिल्स विच सराउंड इट ऑन द थ्री स्लाइड। कुछ खास नहीं था ये, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रख लेना कि श्रीनगर का ज्वेल इसको बोला जाता है और कुछ नहीं। सो बताइए ये वाला टॉपिक क्लियर है? तपस्या रंजीत, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनीला आइलैंड। वनीला आइसक्रीम आप सबने खाई होगी। ये जो आइलैंड है या ग्रुप ऑफ आइलैंड हम इसको बोले, ये जो आइलैंड है या ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो एक वनीला का एसेंस जो होता है, वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर ही देता है। उन सबकी जो बॉन्डिंग है आपस में, ये उसका फ्लेवर ही देता है। यस रंजीत, कोई एरिया है उस एरिया में मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, वहाँ स्पीसीज होनी चाहिए, वो एरिया कोई प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, तभी
तभी तो आप उसको ESZ मतलब डिक्लेयर करा जा सकता है ना। यस, वनीला आइलैंड में एक तरीके का ग्रुप ऑफ एग्जॉटिक आइलैंड स्टेट है जो कि इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन की जो साउथ वेस्टर्न वाली लोकेशन है वहाँ पर ये सारे आइलैंड है जिन्होंने ग्रुप बना के अपने ग्रुप का नाम क्या रखा है, वनीला आइलैंड। ओके, आप ऐसे याद कर लो, इन सब जो कंट्रीज जो आइलैंड है इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसका नाम रख लिया वनीला आइलैंड। ओके, टू प्रमोट द टूरिज्म देयर कॉर्नर इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है, कॉर्नर में हो जाता है थोड़ा, इसीलिए उन्होंने इस ना ग्रुप बना लिया ताकि वो अपने टूरिज्म को जो है वो प्रमोट कर सकें। दैट मैनी ऑफ देम ग्रो वनीला विच गिव्स यू, ये वही चीज़ है। इसके जो मेंबर है वो है कोमोरोस, मैडागास्कर, मॉरिशियस, मायोटे, रीयूनियन और सेशल्स। याद रख लेना मालदीव नहीं है, अभी मालदीव इसका मेंबर नहीं रहा। आप इसको याद कैसे करोगे? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसको याद कैसे करें। एक है मयूर नाम का एक लड़का है और एक है मौर्य। ओके, मयूर है और एक मौर्य है, सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मयूर ने मौर्य से, पढ़ो अच्छे से, मयूर ने मौर्य से कहा कि हिल्स पर चलते हैं। क्या कहा? कि हिल्स पर चलते हैं और वहां पर जाकर एक हम दोनों की एक यूनियन बनाते हैं। क्लियर है बात? मयूर से याद रखोगे आप मयोटे, मयोटे, सॉरी गाइस ये अच्छे से लिखा नहीं जा रहा पर आप समझ लेना। मौर्य से याद रख लेना मॉरिशियस। मयूर ने मौर्य से कहा कि हिल्स पर चलते हैं, से कहा से और हिल्स से शिल्स। क्लियर है ये बात? याद रहेगा ना? एक यूनियन बनाते हैं, यूनियन से आप याद रख लोगे री यूनियन आइलैंड। ठीक है, अब उनकी यूनियन बन गई, हिल्स पर गए और यूनियन बन गई। हिल्स पर ज्यादा चीज कुछ अवेलेबल नहीं होती तो उनको मिली वहां पर कोन, और नेटो आइसक्रीम होती है, कोन उनको मिली और कौन खाकर वो दोनों मैड हो गए, खुशी से झूमने लगे कि उनकी एक यूनियन बन गई और उन्होंने कुछ मीठा हो जाए तो मीठा हो जाने की खुशी में उन्होंने कौन खाई। राइट, कौन खाई, खाने के बाद वो क्या हो गए, मैड हो गए। कौन से याद आप रखेंगे? कोमोरोस। मैड से याद रखेंगे मेडागास्कर। तो बताइए ये वाला ट्रिक से याद रहेगा ना? ये है कोमोरोस, इधर आपका आ जाएगा मेडागास्कर। रिप्लाई करो, मयूर ने मौर्य से कहा कि हिल्स पर चलते हैं और एक यूनियन बनाते हैं। यूनियन बनने के बाद कहा कि अब कुछ मीठा हो जाए तो उन्होंने कौन खाई, कौन खा के वो दोनों मैड हो गए। राइट, हाँ अक्षय, कौन वनीला फ्लेवर था। इधर मयोटे, इधर मॉरिशियस, इधर सेशियस, इधर रीयूनियन, इधर कोमोरोस और फिर मेडागास्कर। चलिए, तो ये सभी आइलैंड हमें याद हो जाएंगे। वनीला आइलैंड है, कोमोरोस, सेशियस, मॉरिशियस, मेडागास्कर, रीयूनियन और मयोटे। लोकेशन देख लीजिए, ये है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में इस साइड है सेशियस, ये वाला आइलैंड है मॉरिशियस, मॉरिशियस के बिल्कुल नीचे है रीयूनियन आइलैंड और इसके पास में लगता ही है ये पूरा बड़ा जो आप देख रहे हो दैट इज मेडागास्कर। इसके साथ है ये वाला कोमोरोस और ये जो येलो वाला सर्कल आप देख रहे हो ये है मयोटी। ओके, तो ये चीज याद रहेगी ना? मालदीव नहीं है वो याद रख लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे आ सकता है, नाम दे देंगे सेशल्स, मॉरिशियस, रीयूनियन, मयोटे की जगह आपको मालदीव भी दिया जा सकता है क्योंकि वो MM से कनेक्टेड है। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि मालदीव नहीं है इसका पार्ट। सो बताओ, ये क्लियर है टॉपिक? नेक्स्ट है सी गार्जियन। सी गार्जियन एक तरीके की एक्सरसाइज है जो कि सिक्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये
हुई थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अरेबियन सी में ये जो एक्सरसाइज है वो हुई थी अरेबियन सी में। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज का नाम रखा गया सी गार्जियन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ सीरीज ऑफ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि चाइना पाकिस्तान में एक सीरीज स्टार्ट होगी, नेवल एक्सरसाइज नेवी की जो एक्सरसाइज होती है उनमें एक सीरीज स्टार्ट होगी और सी गार्जियन उसकी पहली है कि पहली क्लास एक कुछ ऐसे बोल लो। नेवल एक्सरसाइज हमारी जापान के साथ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हमारी, वो है धर्मा गार्जियन। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है, धर्मा गार्जियन है ये हमारी और जापान, इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी, क्या है ये न्यूज़ में था। आप सब जानते हैं कि कोरोना का अभी टाइम चल रहा है, कोविड-19 का इम्पैक्ट मालदीव पर भी पड़ा, तो इंडिया ने वहाँ पर 6.2 टन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिंस को, यानी कि ज़रूरी सेवाओं को, मेडिसिंस को वहाँ पर सप्लाई करा, मालदीव को सप्लाई करा, इसीलिए उसका नाम रखा गया संजीवनी, राइट। मेडिसिन डिलीवर्ड बाय द हरक्यूल्स C-130J एयरक्राफ्ट ऑफ IAF, हमारे जो IAF है इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसके तहत इन सर्विसेज को वहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया। मेडिसिन इंक्लूड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एंटीवायरल ड्रग, लोपिनावीर और रिटोनावीर, ये सारी तरीके की वहाँ पर जो है सप्लाई करी गई। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन संजीवनी किस चीज़ से रिलेटेड है, किन दो कंट्री के बीच में है और कि कैसे किस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके हाय ऑन एंड ऑल, इंडिया और मालदीव के बीच में था तो पहले भी इंडिया मालदीव के रिलेशन काफ़ी अच्छे रह चुके हैं, वो क्या क्या है। ऑपरेशन कैक्टस भी लॉन्च हुआ था इससे पहले, सुनामी जब मालदीव में आई तो इंडिया ने, इंडिया हैज़ हेल्प मालदीव आफ्टर द सुनामी 2004 के बाद वहाँ पे हेल्प करी। ऑपरेशन नीर भी हुआ था, वहाँ पे उनको ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस हो गए थे तो उसकी सप्लाई करी। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर थे जो कि इंडिया ने मालदीव के आर्म फोर्सेस को दिया था ताकि वो लोग, वहाँ के जो लोग हैं अपनी जान को बचा सकें, इसलिए दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर उन्होंने भेजे थे। ऑपरेशन कैक्टस और नीर वगैरह ये चीज़ें प्रीलिम्स में आ सकती हैं, पर जब मेंस में आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखेंगे और इंडिया और मालदीव की रिलेशन की बात आएगी तो ये सारे टॉपिक वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। एक्यूवेरिन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी हमारे और मालदीव के बीच में, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ये है इंडिया श्रीलंका और उसके यहीं पर है, पास में है मालदीव्स, मालदीव्स का है ये माले, राइट, इंडियन ओशियन में है। सो ये चीज़ क्लियर है। बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में कर लेंगे, ये टॉपिक एक मलेशिया का रह गया, एक विलिंगडन आइलैंड रह गया है, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं वरना क्लास ओवर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी क्लास में हमने देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सो आप सबको राइट आंसर करना है। इट इज़ वन ऑफ द हैवीस्ट फ्लाइंग बर्ड, हाई वोल्टेज पावर लाइन्स आर अ मेजर पार्ट टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सॉरी मेजर थ्रेट आएगा यहाँ पर। इट इज फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज अबव इज आर करेक्ट, तो वो बताइए। 1 इन 2, 2, 3 और 1, 2, 3। आप सबका रिप्लाई मेरे को इन क्वेश्चंस में चाहिए, आप सब रिप्लाई करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में राइट स्टेटमेंट बतानी है। ओके अक्षय, मैंने मार्क कर दिया है। पिंकी, रंजीत, तोल, तपस्या, शोकत, कहाँ हैं आप सब। ए, ए, सी, डी, शोभा, चलिए आप भी बोल बोल दीजिए।
इट्स राइट आंसर विल बी ए। आप सबने अभी हमने देखा एक तरीके से याद भी किया कि क्या जो है ग्रेट इंडियन बस्टर सिर्फ सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। सेंट्रल इंडिया का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एमपी के आसपास का भी ले लो, चलो एमपी ले लिया हमने, इसके पास जो है इधर तेलंगाना छत्तीसगढ़ आता है वो वाला रीजन भी ले लो सेंट्रल इंडिया में, तो क्या सिर्फ एमपी में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? बताइए तपस्या, आपने तो गलत करना ही नहीं चाहिए था, आई थिंक आपने रॉन्ग आंसर बता दिया है सी। चलिए, ये पाया जाता है राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और फिर आंध्र प्रदेश में। ओके, हमने याद किया था कि केरला और तमिलनाडु ने इसको लेने से मना कर दिया। केरला बोला कि मेरे पास ऑलरेडी नीलगिरी तार है, मैं नहीं रखूंगा। तमिलनाडु ने कहा कि उछलता वो आता है, कभी गल्फ ऑफ मन्नार में ना गिर जाए, तो मैं इसको नहीं रखूंगा, इसलिए वो कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में गया। राइट, सो ए विल बी राइट आंसर, ये देख लेना, आप पढ़ लेना बाद में। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली इंस्टॉल्ड स्मोक टावर इन दिल्ली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्मोक टावर आर स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क एज ए लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर। द फिल्टर इंस्टॉल्ड इन द टावर विल यूज कार्बन नैनो फाइबर एज अ मेजर कंपोनेंट। इट इज डब्ड एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मोक टावर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट? तो कोई बात नहीं ना, ओनली नहीं लिखा है तो क्या हो गया, सिर्फ सेंट्रल इंडिया में, तो मैं बता रही ना कि एमपी छत्तीसगढ़ वाला रीजन भी आ जाता है, सो वो चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी। वैसे आपकी बात ठीक है तपस्या, यहाँ अगर ओनली होता तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाती। यस यस, ओनली होता तो क्लियरेंस ज्यादा हो जाती, अदरवाइज जो स्पेशली है वो राजस्थान में और आपका आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र था एक, नहीं एमपी, हाँ वहाँ ज़्यादा इसकी जो है पॉपुलेशन पाई जाती है। ये बताइए स्मोक टावर के बारे में बताओ, विच इज़ इनकरेक्ट? इसका बताइए रंजीत, पिंकी, पिंकी इनकरेक्ट बताना है। यस सी इज द राइट आंसर, इट इज डब्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मोक टावर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या? स्मोक टावर टॉपिक पढ़ा था ना हमने, क्लियर करा था क्या? ऐसा कुछ था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मोक टावर है ये? कुछ नहीं था ऐसा, राइट? स्मोक टावर जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज स्केल के प्योरीफायर इंक्लूड होंगे, और सिर्फ अभी ये दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है, दिल्ली के एनसीआर रीजन में किया गया है। वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी ख़राब है, उसकी कंडीशन, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च इंस्टॉल वहाँ पे किया गया था, और इसमें कार्बन नैनो फाइबर एज अ मेजर कंपोनेंट जो है वो यूज होंगे। ये देखो हमने किया था ना यहाँ पे। व्हाट इज अ ग्रीन क्रेडिट स्कीम, इसके बारे में बताइए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। स्कीम अलाउ फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटी। इट इनकरेज प्लांटेशन बाय इंडिविजुअल आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया एंड इट हेल्प इन एसडीजी। लास्ट इज ओला ट्रू। स्मोक टावर लार्जेस्ट इन चाइना है क्या? सो ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बताइए। आप ये भी देखते चलो कि यूपीएससी इन सभी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहा है। यस रंजीत, डी, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसको अप्रूव किया है और फॉरेस्ट से आने वाले प्रोडक्ट को एज अ कॉमोडिटी ट्रेड करा जाएगा और उसमें ट्रेड होगा। ओके, इट इज एन अपेक्स बॉडी डील विद द डेडिकेटिंग रिक्वेस्ट बाई इंडस्ट्री टू रेज फॉरेस्ट लैंड फॉर द कमर्शियल एंड।
फॉरेस्ट लैंड कैन बी डाइवर्टेड फॉर नो फॉरेस्ट लाइक माइनिंग वगैरह इन सब के लिए चीजें नहीं होंगी। रिसेंटली सीन इन द न्यूज द मियाविकी मेथड इज, एक मियाविकी मेथड है जो भी काफी चल रहा है न्यूज में, वो क्या है? क्या वो अफॉरेस्टेशन का मेथड है या फिर जो है ओल्ड पेपर को रीयूज या रिसाइकल करके और नए प्रोडक्ट बनाने का एक तरीका है? क्या जैपनीज आर्ट है ये जो ब्रोकन पॉटरी हो जाती है उसको रिपेयर करना बाय मेंडिंग द एरियाज ऑफ ब्रेकेज विद द लैकर डस्टी डॉट मिक्स विद द पाउडर गोल्ड मेथड ऑफ अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो ये बताइए क्या है ये? वेलकम अंबर। मियाविकी मेथड क्या है ये, न्यूज़ में क्यों था, वो चीज़ बताओ। तपस्या, अक्षय, आप सब सही हैं कि एक तरीके का अफॉरेस्टेशन ये मेथड है, राइट? हमने इसको डिटेल में करा जापान की इन द कैला से। चलिए, हाँ जी वही है, ये मियाविकी मेथड के बारे में हमने पढ़ा। और ये न्यूज़ में क्यों था, किस चीज़ से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट को बना के, अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन को फ्रेम करना। समझ गए ना कि आप कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? तेलंगाना हैज इंट्रोड्यूस्ड, तेलंगाना रंजीत, जापनीज का मेथड है ताकि अफॉरेस्टेशन करा जा सके अर्बन फॉरेस्ट में और ग्रीन कवर को एक्सपैंड करा जा सके। ये जापनीज की ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉटनी सकीरा टेक्निक है ये, जो कि डेंस और नेटिव फॉरेस्ट को बहुत ही थोड़े टाइम में, शॉर्ट टाइम में वो वहाँ पर बहुत ही घने जंगल कर देगी। ओके, चार लेयर में इसको डिवाइड करा है, शब, सब ट्री, ट्री और कैनोपी तरीके के पेड़ जो है वो इस टेक्निक से उगाए जा सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन इन द अंटार्कटिक रीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंटार्कटिक ओजोन होल फॉर्म्स ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फेयर लेट समर। फ्यूअर पॉलर स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक क्लाउड फॉर्म इन द वार्मर टेम्परेचर। किगाली एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद द रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 ओनली और 2 एंड 3? ओजोन लेयर डिप्लेशन जो चल रहा था अंटार्कटिक वाले रीजन में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ओजोन लेयर डिप्लेशन वाला टॉपिक हमने कवर अप करा था। बताइए, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, टाइम ओवर होने वाला है, हम आंसर कर लेते हैं। इज द 2 ओनली, सिर्फ सेकेंड ही स्टेटमेंट ठीक है इसकी। फ्यूअर पॉलर स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक जो क्लाउड हैं फॉर्म करते हैं वार्मर टेम्परेचर, राइट? चलो, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लिम्फैटिक फिलारिसिस। लिम्फैटिक फिलारिसिस वाला टॉपिक हमने किया था कल वाली क्लास में, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इट इज अ पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक फिलारियल वर्म्स। नेग्लेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज है ये। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में टू अडॉप्ट अ ड्रग रेजिम टू द प्रिवेंट लिम्फैटिक फिलारिसिस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2, 3।
करेक्ट कोड यू हैव टू टेल। सी ए पिंकी शोकर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए गाइस, अच्छे से पढ़ो। बताइए जल्दी बताओ, इस डी लिम्फैटिक फिलारिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि पैरासाइट्स के द्वारा ये मतलब की जाती है, और पैरासिटिक डिजीज ही होती है। अगर किसी भी हिस्से में हो जाए, इसको एलेफेंटिसिस भी बोलते हैं, किसी भी हिस्से में अगर हो जाए इंसान के शरीर में तो वो हिस्सा काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसको एलिफेंटेसिस भी बोला जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने एक ऐसे ड्रग को अडॉप्ट करा है जो कि लिम्फेटिक फिलारिसिस होने से या फैलने से बचा जा सके। ओके, तो इसका ऑप्शन है डी। जब भी आप हम टॉपिक कर रहे हैं ना गाइस, हम जैसे करंट अफेयर स्टार्टिंग में करते हैं क्लास के, तो आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि क्या उसमें कुछ फर्स्ट लिखा है, या इंडिया के लिए क्या चीज़ है, वो कैसे वो रिलेट कर रही है, इंडिया ने पहली बार अडॉप्ट करा है या इंडिया से वो कुछ लिंक ही नहीं कर रहा। तो वो चीज़ को तो स्पेशली आपको याद रखना है। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सिंपोजियम लॉन्च करा था जिसका थीम था यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फैटिक फिलारिसिस, और उसका कॉल टू एक्शन एलिमिनेट फ्लास बाय 2021। इंडिया में से 2021 तक इस बीमारी को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। एलिफेंटिसिस भी बोला जाता था, नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज़ है। और ये देखो तीनों ही फीचर्स हैं जो हमने अपनी स्टेटमेंट्स में डाल दिए है ना। आप देख रहे हो ना कि पैरासिटिक डिजीज़ हो गई, नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज़ हो गई, राइट। इसके बाद इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने ऐसा ड्रग अडॉप्ट करा है जो कि एलएफ को बचने होने से बचा सके। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि WHO ने रिकमेंडेशन करी है इसके लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी, यानी कि तीन तरीके के जो ड्रग हैं वो इस बीमारी में दिए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज दैट इंडिया इज फेसिंग नाउ एडेज। इंडिया जो आजकल फेस इसको कर रहा है। चलिए, बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं, दो चार क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम कल वाली क्लास में देख लेंगे। हाउ वाज योर क्लास टुडे गाइस, कैसी लगी क्लास आज की, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपको लगी बेनिफिट है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को स्टडी आईएएस, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मेरे को अनअकैडमी अंकिता जिंदल नाम से चैनल है टेलीग्राम का, तो आप मेरे को उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, इश्यूज हो रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी देयर, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आप CSET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्टडी आया जो चैनल है ये, इस पर CSET की क्लास होती है डेली 11 AM, सो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, रमा मैम लेते हैं। ज्योग्राफी की क्लास होती है तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, और एनवायरनमेंट के लिए, करंट अफेयर के लिए, दूसरे टॉपिक के लिए आप अंकिता जिंदल दैट इज़ मी, आप मुझे फॉलो रेगुलरली कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।